के हमारी इस लाइन पे गाड़ी नहीं चलाते, तो रेवाड़ी से लेकर वाय महेंद्रगढ़ और लोहारू तक जो रेलवे लाइन बिछाई हुई है इसको पार लो। हमने उसको सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेट दे दिया, अगर 9 तारीख तक हमारी गाड़ी अगर नहीं ठहराव नहीं हुआ तीनों गाड़ियों का 2482 जो जोधपुर से अपने दिल्ली चलती थी वो 10 साल से यहाँ रुकती थी, अब कोरोना के बाद वो गाड़ियाँ यहाँ नहीं ठहर रही और सारे उनका स्टॉपेज है, एक साथ आती है, एक घंटे के अंदर 4 गाड़ियाँ जाना और 4 ही गाड़ियाँ आना, जिससे यात्रियों को कोई फायदा नहीं, पूरा इलाका को कोई फायदा नहीं, महेंद्रगढ़ रूट को कोई फायदा नहीं। ये जयपुर जोन के अधिकारी, बीकानेर के मंडल के अधिकारी हमारे साथ तानाशाही कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। हमने इसकी शिकायत रेल मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी कई बार लिख चुके, रेल रोको का आंदोलन करेंगे हम, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो प्राइवेट बसों से मिलकर हमारी जो रात को गाड़ी चलाते हैं दिन में नहीं चलाते हैं, यहाँ तो स्टॉपेज नहीं, एक तहसील लेवल का राजस्थान में जहाँ 100 रुपये की इनकम नहीं है वहाँ स्टॉपेज है, क्यों? उनके हाथ में कलम है, इसलिए जो ये इतना अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ, रात को चलाते हैं क्योंकि उनकी मंथली आती है महीने की। राजस्थान में और हरियाणा के प्राइवेट बस वाले हैं नहीं, मंथली देते हैं अधिकारियों को, वहाँ हर 5 मिनट में गाड़ी जा रही है, यहाँ 8-8 घंटे गाड़ियाँ नहीं है। और फिर है तो फिर एक साथ है, वो है तो आगे पीछे, और वो भी रात को है। रात को है जी, 9 तारीख को यहाँ पूरा क्षेत्र यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा, पुतला फूकेंगे और हमारा मांग नहीं माननी तो हम ट्रेन को जाम करेंगे। जी प्रधान जी बताएं, आज आपने ज्ञापन सौंपा है अपने संघ की तरफ से, इसके बारे में। हमने आज ज्ञापन इसलिए सौंपा है, आज पूरे भारतवर्ष में 1 अक्टूबर से नई रेलवे की समय सारणी आई है, उस नई रेलवे समय सारणी ऐसी आई है इससे रेलवे को भी भारी घाटा और हमारे महेंद्रगढ़ रूट के सभी यात्रियों को भारी परेशानी है, क्योंकि जो 4 गाड़ी चल रही है वो भी रात को दिल्ली जाती है, जब भी 10-15 मिनट के अंदर से आगे पीछे जाती है, दिल्ली से जब महेंद्रगढ़ आती है जब भी 10-15 मिनट के आगे पीछे चली जाती है, मतलब जो गाड़ियां हैं वो एक साथ आ जाती है, एक साथ आती है, एक घंटे के अंदर 4 गाड़ियां जाना और 4 ही गाड़ियां आना, जिससे यात्रियों को कोई फायदा नहीं, पूरा इलाका को कोई फायदा नहीं, महेंद्रगढ़ रूट को कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं उसमें 1 घंटे का अंतर से वो गाड़ियां चलाई जाए, जिससे लोगों को भी फायदा हो, रेल को भी फायदा हो। और एक हमारी यहाँ 3 गाड़ियां नहीं रुकती, दुरंतो है जो गाड़ी हावड़ा से बीकानेर है, हावड़ा से बाड़मेर है, और एक 2482 जो जोधपुर से अपने दिल्ली चलती थी वो 10 साल से यहाँ रुकती थी, अब कोरोना के बाद वो गाड़ियाँ यहाँ नहीं ठहर रही और सारे उनका स्टॉपेज है। मैं ये चाहता हूँ ये सरकार जो उसने राजस्थान के अंदर छोटा छोटा स्टॉपेज है जहाँ 1,000 रुपया इनकम है वहाँ तो इन सुपरफास्ट गाड़ियों का ठहराव है, और हमारा जो यहाँ 1.5 लाख रुपये जो सर प्रतिदिन इनकम है वहाँ नहीं, ये कैसा अंधा कानून है। ये जयपुर जोन के अधिकारी, बीकानेर के मंडल के अधिकारी हमारे साथ तानाशाही कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। हमने इसकी शिकायत रेल मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी कई बार लिख चुके कि ये जो है हमारे क्षेत्र से भेदभाव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिन में भी गाड़ियां हो, आज तक 8 साल के दौरान राजस्थान के अंदर नई नई गाड़ियां चल रही है, नए नए विस्तार हो रहा है, गाड़ियों का फेरे बढ़ रहे हैं, स्पेशल गाड़ियां चल रही है, और हमारी इसी महेंद्रगढ़ से लोहारू के बीच में कोई भी जो उसने यहाँ रेलवे वाले नहीं सुनते, क्योंकि इनका रेलवे का जो हेड ऑफिस है वो जयपुर में है, जयपुर में 90% अधिकारी जयपुर के हैं, वो महेंद्रगढ़ के साथ भेदभाव करते हुए अपने राजस्थान के को पारित को देते हुए सारा प्रपोजल जो उसने राजस्थान के बनाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई अगर ये हमारी इस लाइन पे गाड़ी नहीं चलाते तो रेवाड़ी से लेकर वाय महेंद्रगढ़ और लोहारू तक जो रेलवे लाइन बिछाई हुई है इसको पार लो। हमने उसको सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेट दे दिया, अगर 9 तारीख तक हमारी गाड़ी अगर नहीं ठहराव नहीं हुआ तीनों गाड़ियों का तो यहाँ दैनिक रेल यात्री महासंघ, सामाजिक संगठन और ये क्षेत्रवासी हम यहाँ 9 तारीख को धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, रेल रोको का आंदोलन करेंगे, हम अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो प्राइवेट बसों से मिलकर हमारी जो रात को गाड़ी चलाते हैं दिन में नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी अधिकारी यहाँ सम्मिलित है। अभी आप रात को गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ ज़्यादा रात को चलाते हैं क्योंकि उनकी मंथली आती है महीने की। राजस्थान में और हरियाणा के प्राइवेट बस वाले हैं नहीं, मंथली देते हैं अधिकारियों को जो है उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत पुराना महेंद्रगढ़ जिला है, यहाँ छोटे छोटे शहर लगते हैं, यहाँ तो स्टॉपेज नहीं, एक तहसील लेवल का राजस्थान में जहाँ 100 रुपये की इनकम नहीं है वहाँ स्टॉपेज है, क्यों? उनके हाथ में कलम है, इसलिए जो है ये इतना अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। हमारी ये गाड़ी जो जैसलमेर गाड़ी जा रही है, बाड़मेर गाड़ी जा रही है,
वो वाय जयपुर, जबकि वाय महेंद्रगढ़ 200 किलोमीटर कम है। हम चाहते हैं कि उन कुछ उनमें से गाड़ियों को वाय महेंद्रगढ़ चलाया जाए। मतलब जैसलमेर जा रही हो, वाय जयपुर जा रही है, वाय जयपुर चला रही है कई गाड़ियां जैसलमेर के लिए, जबकि 200 किलोमीटर फालतू है। वहाँ हर 5 मिनट में गाड़ी जा रही है, या 8-8 घंटे गाड़ियां नहीं है। और फिर है तो फिर एक साथ है, वो है तो आगे पीछे, और वो भी रात को है। रात को है जी, दिल्ली जानी है, गुड़गांव जानी है, रेवाड़ी जानी है, यात्री बड़े परेशान है, पब्लिक बहुत परेशान है। इन्होंने हमारा तन्नाशाही अंधा कानून, रेल एक, सब कुछ एक। हमें देखा है यहाँ से सुबह 4 बजे गाड़ी जाती है, वो यहाँ से 2 घंटे लेती है रेवाड़ी के बताऊँ, और आती यानी वो है गाड़ी 50 मिनट में आ रही है। ये कौन सा कानून है? जाति दफा वे स्टॉपेज है, वे लाइन है, वे गाड़ियाँ हैं, जाति दफा तो 2 घंटे में गाड़ी पहुँच रही है रेवाड़ी। मतलब ट्रैवल टाइम भी जो है, हाँ, आती यानी वो गाड़ी 50 मिनट में आ रही है। ये जो बीकानेर के जो टाइम टेबल कमेटी के जो अधिकारी बैठे हैं, जयपुर जो अधिकारी बैठे हैं, ये बड़ा बुजुर्ग, उन्होंने बहुत बहुत भारी अन्याय कर रखे हमारे साथ। हमारा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और 9 तारीख को यहाँ पूरा क्षेत्र यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा, पुतला फूकेंगे, और हमारा मांग नहीं माननी तो हम ट्रेन को जाम करेंगे।